कर देती, मैं खुद बना लेती। लो अब तुम्हें मेरा किसी काम के लिए हाँ करना भी दुख दे रहा है। मम्मी जी मुझे तो लग रहा है ना आपको ना प्रॉब्लम मुझसे ही है। मैं काम करूँ तो प्रॉब्लम और ना करूँ तो है ही है। हाँ कर दी तो बना दी तूने चाय, हाँ तो बड़ी फट से कर दी थी तूने। आधा घंटा हो गया मैंने तुझे चाय की कहे हुए, अरे ना मना ही कर देती तभी की तभी, तेरे भरोसे तो ना रहती मैं। इतनी चाय पीने की तलब लग रही है ना तो बना लो खुद जाके। क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो तुम दोनों, पता बाहर गली तक आवाज जा रही है, आराम से ही बात कर लो, जरूरी है इतनी चीखा चिल्ली करनी। भाभी एक बात कहूं, अच्छी खासी शांति रहती थी हमारे घर में, लेकिन जब से आप आई हो ना रोज एक नया ड्रामा होता है। हाँ तो ड्रामा भी है ना, तुम दोनों माँ बेटी करवाने पे मजबूर कर देती हो मुझे। अरे क्यों चैन से नहीं रहने देती, जीना दुश्वार कर रखा है। जब से इस घर में आई हूं मजा ले एक दिन भी चैन से गुजारा हूं मैंने। सुबह होते ही तुम माँ बेटी की चैन से शुरू हो जाएगी और रात तक खत्म नहीं होती। हाँ तो ठीक है, तुम्हें ना हम दोनों माँ बेटी के काम करने से दिक्कत हो रही है ना, तो आज से और अभी से हमारा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर काम मैं करूंगी सारा काम, आपको जो भी कहना मुझसे कहना, लेकिन छोटी भाभी को कुछ नहीं बोलोगी आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब कम से कम मैं भी चैन से रहूंगी। अब खड़े खड़े क्या सोच रही हो, जाओ अपने कमरे में बैठो, मैं वहीं चाय लेके आ रही हूँ आपकी। और अब से आपको ना जो करना है वो करो, ठीक है, कोई तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहेगा, कम से कम शांति तो रहेगी इस घर में। दिमाग खराब करके रख दिया इसने। अब शांत भी हो जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। ये जब से आई है ना इस घर में मेरे तो नाक में दम कर दिया है, हर वक्त बीपी बढ़ा के रखेगी मेरा। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप है ना कुछ दिन के लिए इन्हें फ्री कर दो, जो करे करने दो, और भाई से तो भूलकर भी मत बताना, पता ही आपको उनके गुस्से की, गुस्से में क्या कर देंगे ना उन्हें खुद भी नहीं पता चलती, इसी वजह से नहीं बताती। दोनों भाई बिल्कुल उलट है, बड़ा इतना शांत और छोटा एक मिनट में तहस नहस मचा दे, ऐसी बहू आ गई दोनों की। बड़ी हमेशा जोड़ने में लगे रहेगी और ये इसे जब देखो तोड़ने में। बड़ी भाभी से हुई बात? हुई थी, आने की भी हो गई थी, फिर अरे तेरी मामी बोली दीदी सबका प्रोग्राम बन रहा है बाहर घूमने का, और तुम्हारे भैया चाह रहे हैं कि बहू बेटे दोनों जाएं साथ में, अब मनाली जा रहे हैं हफ्ते भर घूमने के लिए, अब देखो हफ्ते 10 दिन बाद ही आएगी। सही है मम्मी, वैसे बड़ी भाभी और भैया हैं इतने अच्छे, जो इनसे एक बार मिले इन्हीं का होकर रह जाता है, कितनी अजीब बात है ना मम्मी। जब बड़ी भाभी यहाँ थी तो उनकी वो खूबी, वो हमारे लिए प्यार कभी नज़र ही नहीं आया हम लोगों को, अब देखो 2 हफ्ते हुए हैं बस उन्हें गए हुए और ऐसा लग रहा है जैसे महीनों हो गए हों। हाँ ये तो तू सही कह रही है। अच्छा ये बताओ खाने में क्या खाओगी, क्या बनाऊँ? छोटी बहू से पूछ ले, अभी इतना समझाया था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, अगर उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना होगा तो खा लेंगी, अगर नहीं खाना है तो बना लेंगे खुद जो खाना होगा, ठीक है? ठीक है। ये बैंगन की सब्जी क्यों बनाई है? पता है ना आपको मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाती। हाँ तो तुझे नहीं खानी तो मम्मी आप चुप रहोगी? भाभी आपको बैंगन की सब्जी नहीं खानी है तो आपको जो खाना है वो बना लो। हेलो, हाँ भैया 2 पिज्जा ऑर्डर करने हैं।